आज तो सूरज कहर बरसा रहा है। अरे बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी है, न जाने कब सूरज आग उगलना बंद करेगा। दोस्तों, ये वही डायलॉग्स है जो ज्यादा गर्मी पड़ने पर हम सभी बोला करते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सन की हीट और लाइट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे बोलें कि एक दिन अचानक से ही सन यानी सूरज पूरी तरह से गायब हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया दिखाने वाले हैं जिसमें सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे आज की साईफाई वीडियो के लिए, जिसमें हमने आपके एंटरटेनमेंट का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक चिपक कर देख लेना। अक्सर गर्मियों के दिनों में हम सूरज को कोसा करते हैं कि सूरज के इतने भयानक ताप की वजह से हमें इस तरह की गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन जब लगातार कई दिनों तक बारिश होती है तो हमें अपने इस विशालकाय आग के गोले यानी सूरज की याद आती है कि अब उसे आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम पूरी तरह से सूरज की रोशनी के साथ साथ सूरज की गर्मी को भी आपकी जिंदगी से टाटा बाय कहने की बात कर रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम आपसे पूछेंगे कि सूरज को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आप में से अधिकतर लोग यही जवाब देंगे कि हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। वेल दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन हर जगह अंधेरा होने के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके बारे में सोचना भी आपकी सोच से परे है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारी प्रकृति में मौजूद हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में हम किसी भी एक चीज को इधर से उधर नहीं कर सकते, और ये तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे अहम चीज है। इसलिए अचानक से अगर सूरज गायब हो जाए तो इसका असर हमारी पृथ्वी पर करीब 8 मिनट 20 सेकंड बाद महसूस होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती पर आने में इतना ही समय लगता है। लेकिन जैसे ही 8 मिनट 20 सेकंड बीतेंगे, वैसे ही आसमान काला हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रात के समय में कोई लाइट ऑफ कर देता है, क्योंकि अंधेरा वाकई में काफी ज्यादा घना होगा। जहां रात के समय में आपको चांद की रोशनी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर चांद की रोशनी मिलने के कोई आसार नहीं होंगे, क्योंकि चांद भी तो सूरज की रोशनी से ही चमकता है। इस वजह से इतने घने अंधेरे में जो कोई भी घर के बाहर होगा उसे तो मानो झटका ही लग जाएगा कि आखिर प्रकृति को ये क्या हुआ है, उन्हें हर चीज काली दिखाई दे रही है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि कई सारे लोग शुरुआत में खुद को अंधा भी समझने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान अपने अंधे होने के बारे में एक बार भले ही सोच सकता है, लेकिन कोई सूरज के गायब होने के बारे में कभी सोच नहीं सकता। हालांकि आप ना ही चांद को देख सकते हैं ना ही सूरज को, लेकिन आप दिन में तारे जरूर देख सकते हैं, क्योंकि सूरज तो गायब हो गया है और चांद की रोशनी भी बिना सूरज के आप तक पहुंचने नहीं वाली। ऐसे में आपको जो थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई देगी वो छोटे छोटे तारों में दिखाई देगी, जो आपको दिन रात हर समय नजर आएंगी। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जब सूर्य गायब हो जाएगा तो हमें दिन में भी तारे दिखने लगेंगे। और दोस्तों, हर तरफ अंधेरा छा जाना तो ये सूरज के गायब होने की बस एक शुरुआत होगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बदलाव होने बाकी हैं। जहां सबसे पहले तो इंसान पैनिक करने लगेगा कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है। ऐसे में सन और मून की नेचुरल लाइट के बिना इलेक्ट्रिक से चलने वाली लाइट हर किसी को लाइफ में गहरा असर डालने लगेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नेचुरल लाइट हमारे दिमाग को अच्छा करती है, हमें प्रकृति से जोड़ती है, लेकिन ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलने वाली आर्टिफिशियल लाइट है, ये हमें खालीपन का एहसास करवाती है। बात अगर इलेक्ट्रिसिटी की है तो इसका भी गेम पलटेगा, लेकिन शुरुआती समय में खाली सोलर पैनल से चलने वाली बिजली ही बंद होगी, और बाकी दूसरे माध्यमों से बनने वाली बिजली अभी भी हमारे घरों में रोशनी पहुंचाएगी। और अब तापमान अपना कहर दिखाने लगेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। जहां ठंड के मौसम में हम सूरज के रहते हुए ठिठुरने लगते हैं, यहां तो हम फिर भी सूरज के गायब होने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ठंड तो बढ़ने लगेगी। अब इन सब चीजों का असर प्रकृति पर भी पड़ने लगेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए ही अपना भोजन बनाते हैं, जिसके लिए सूरज की रोशनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो सभी पेड़ पौधे भी मरने शुरू हो जाएंगे, और हर वो जीव जिसे गर्मी में रहने की आदत है उनका भी ठंड से बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि ठंड से बुरा हाल तो हम इंसानों का भी होगा, क्योंकि अचानक से जब इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी तो हम सभी उस ठंड को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास फिर भी कई सारी चीजें मौजूद है जिनकी मदद से हम गर्माहट महसूस कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो इकोसिस्टम की है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर। और दोस्तों, मात्र 24 घंटे सूरज के गायब होने की वजह से ये सब हमें देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या फिर छोटे से सरकारी स्कूल के पढ़ाने वाले टीचर, इन सभी लोगों का पद, अधिकार और ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि ये हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि हम सूरज को कहीं से भी वापस ले आए। ये तो हो गई एक दिन की हालत,
जिसमें हम सभी सूरज के बिना एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि सूरज और ज्यादा समय के लिए छुट्टी पर चला जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर सूरज ने 4-5 दिनों की छुट्टी मना ली तो धरती पर हम सभी का ठंड से बुरा हाल हो जाएगा, जहाँ तापमान -1 डिग्री से भी कम हो जाएगा। अब इसमें कई सारे लोग ये बोल सकते हैं कि तापमान कम होने से क्या होता है, बहुत से लोग तो काफी ठंड में भी अपनी जिंदगी बिता लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन हम आपको बता दें कि सूरज के बिना वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तापमान कम होकर स्थिर नहीं होने वाला है, बल्कि धीरे धीरे और ज्यादा कम होता चला जाएगा। अब जब तापमान इतना कम होगा तो गर्मी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर पेड़ पौधे तक धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लगेंगे, और बिना पेड़ पौधों के हम इंसानों का क्या हाल होगा ये तो आपको पहले से ही पता है। लेकिन अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन की बहुत ही भारी कमी आ जाएगी, प्लस तापमान के घटने के कारण समुद्र में मौजूद पानी भी जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब जब पानी ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की खाक बनेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी तो इतने अंधेरे में आपको रोशनी नहीं मिल पाएगी। हालांकि टेक्नोलॉजी तब भी उतनी ही एडवांस रहेगी, बस उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की बहुत भयानक कमी आ जाएगी। यानी कि बिना सूरज के हम सभी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगी, क्योंकि सूरज नहीं रहेगा तो गर्मी नहीं रहेगी, और गर्मी नहीं रहेगी तो पानी जमने लगेगा, और पानी जम गया तो हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी, फिर चाहे वो सड़कों पर मौजूद बर्फ हो या फिर आपके वाटर सप्लाई के पाइप में जमी हुई बर्फ। हालांकि इस स्थिति में कई सारे लोग ऐसे इलाकों में जाने लगेंगे जहां पर जियोथर्मल एक्टिविटी अधिक होती है, जैसे कि आइसलैंड, और कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे रहने की सोचेंगे, जहां पर इन्हें थोड़ी गर्माहट मिल सके। और शायद आपको हर गली नुक्कड़ के घरों की जगह इग्लू देखने को मिलेंगे, जिससे लोग ज्यादा आसानी से बर्फ में भी गर्माहट का एहसास ले सके। पर ऐसा होते होते दोस्तों बिना सूरज के 1 साल बाद पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, इस वजह से इंसानों की संख्या बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। हाँ, बिना सूरज के एक जगह ऐसी है जहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो है समुद्र की बिल्कुल गहराई में, क्योंकि वहाँ पर अर्थ के कोर से गर्माहट पहुँचती रहती है, जिसकी वजह से समुद्र की गहराई में रहने वाले जानवर अभी भी सुरक्षित होंगे। और धीरे धीरे जब वक्त बढ़ता जाएगा तो कोई भी इंसान पृथ्वी पर इतनी भयानक ठंड झेल नहीं पाएगा, क्योंकि ठंड का प्रकोप हर 1 सेकंड ही बढ़ता रहेगा। अब आप बोलेंगे इतना कुछ होने पर हमारे साथ क्या होगा, तो दोस्तों स्टारबक्स की कॉफी के प्राइस से लेकर सोने चांदी की कीमत सब कुछ सस्ता हो जाएगा, बस उसे खरीदने के लिए आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, और ना ही उसे बेचने के लिए कोई और जिंदा रह पाएगा, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों वाकई में इतने भयानक ठंड झेलना किसी के बस की बात नहीं है, और खासकर तब जब हमने कभी भी इतनी भयानक ठंड न झेलनी हो। इन सब चीजों के अलावा बहुत सी चीजें होंगी, जैसे कि अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर घूमना शुरू कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी बिना किसी ऑर्बिट के अपने मन मुताबिक चलने लगेगी, और उसका कुछ भी ठिकाना नहीं होगा, और इसी वजह से इसके भी काफी ज्यादा चांसेस है कि हमारी पृथ्वी किसी और प्लैनेट, एस्ट्रॉयड या फिर किसी कॉमेट से जाकर लड़ जाए, जिसकी वजह से पृथ्वी का पूरा विनाश हो जाएगा और हम सभी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि पहले ही खत्म हो चुका होगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी जो उम्मीद बची होगी वो वापस गर्मी आने पर हम जिंदा हो जाएंगे, वो उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब आप समझ चुके होंगे कि जिस सूरज को हम ज्यादा गर्मी पड़ने पर कोसने लगते हैं वो अगर 1 दिन भी ना हो तो हम सभी की बैंड बच जाए, और अगर 1 साल के लिए गायब हो जाए तो हम भूल जाएं कि हम में से कोई बचने वाला भी है क्या। बाकी अब हमें उम्मीद है कि आप प्रकृति में होने वाले हर बदलाव को स्वीकार करेंगे, हर एक चीज की इज्जत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसी प्रकृति हमारी करती है। वरना अगर इसने अपना रौद्र रूप दिखा दिया तो क्या गजब होगा, आप इस वीडियो में देख चुके हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।